गोरखपुर में मंगलवार को एनेस्थीसिया के डॉक्टर की पत्नी और बच्चे सहित 12 कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें 4 भटहट, 4 बेलघाट के रहने वाले हैं, जबकि 3 जेमिनी पैराडाइज और 1 बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। जिले में कुल 182 कोरोना के मामले आ चुके हैं। जेमिनी पैराडाइज पहले ही रेड जोन घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और गोरखपुर में मंगलवार को 12 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें बीआरडी 1, जेमिनी पैराडाइज में 3, भटहट में 4 और बेलघाट में 4 मरीज मिले हैं, जिसमें बीआरडी के डॉक्टर को पहले ही कोरोना की पुष्टि हुई थी। अब डॉक्टर की पत्नी व बच्चों को भी मंगलवार को कोरोना की पुष्टि हुई है। यह लोग जेमिनी पैराडाइज में रहते हैं। बीआरडी में 1 नर्स में आज भी कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। गोरखपुर में 12 नए केस मिले हैं। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 182 हो गई है। मंगलवार को कुल जांच के लिए 218 सैंपल गया था, जिसमें 206 नेगेटिव तथा 12 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी चिन्हित स्थानों को सील कर दिया गया है। गोरखपुर में 182 कोरोना मरीज हो चुके हैं, जिसमें से 8 मरीजों की पहले ही मौत हो चुकी है। 33 मरीजों का इलाज रेलवे चिकित्सालय में, 25 मरीजों का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, 1 मरीज का इलाज पीजीआई में और 2 मरीजों का इलाज केजीएमयू में चल रहा है, जिसमें 113 डिस्चार्ज हो गए हैं और 61 का इलाज चल रहा है।